नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। जिस योजना को लेकर के इस समय देश में बवाल मचा हुआ है, सियासत हो रही है, यूँ कहिए कि देश के कई हिस्से जल रहे हैं। वो करीब दो साल पहले वो योजना करीब दो साल पहले अधिकारियों के लिए ही आने वाली थी। उस वक्त इसका नाम अग्निपथ नहीं था, बल्कि उस वक्त इसका नाम टीओडी था। टीओडी यानी के टूर ऑफ ड्यूटी। सीडीएस जनरल बीपी रावत टीओडी के माध्यम से सेना में तीन साल के लिए अधिकारियों की नियुक्ति चाहते थे, लेकिन दिसंबर 2021 में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद टीओडी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिस तरह से जवानों के लिए अग्निपथ योजना है, ठीक उसी तरह से ऑफिसर्स के लिए सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी है, ये सबको पता है। और एसएससी के माध्यम से 10 साल के लिए अधिकारियों की नियुक्ति थल सेना में की जाती है। ये परीक्षा एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह ही यूपीएस आयोजित करती है। इस परीक्षा को कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस नाम दिया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेना के तीनों अंगों में परमानेंट कमीशन यानी कि स्थायी कमीशन के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल में दो बार होता है। इसके अलावा सीडीएस परीक्षा के माध्यम से भी सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्री ली जा सकती है। और ठीक ऐसे ही वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन एसएससी और अग्निपथ योजना में ये एक बेसिक अंतर है, जहां अग्निपथ योजना के तहत 75% उम्मीदवार को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा, वहीं एसएससी अधिकारी 10 साल के बाद 4 साल के लिए अपनी सेवाएं बढ़ा सकते हैं, यानी कि कुल 14 साल तक वो सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 14 साल के बाद अगर वो एनडीए अधिकारियों की तरह परमानेंट कमीशन चाहता है, तो उसे एक बड़ा टफ बोर्ड होता है, उसका इंटरव्यू होता है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं, मेडिकल फिटनेस होती है, उस टेस्ट से जो है गुजरना पड़ता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय और सेना में कोई भी अधिकारी फिलहाल 3 साल के कार्यकाल वाले टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर अग्निवीर स्कीम सफल रही तो अधिकारियों को आने वाले टाइम में टीओडी प्लान को फेस करना पड़ेगा, यानी कि टीओडी के माध्यम से वो सेना में जा सकेंगे, क्योंकि सेना में अधिकारियों की काफ़ी कमी है। जनरल बिपिन रावत को टीओडी स्कीम लाने का श्रेय जाता है, और उनका मकसद ये था कि अगर ये टीओडी को आने वाले टाइम में लागू करते हैं, तो उनका मकसद ये था कि अधिकारियों के लिए खाली पड़ी रिक्तियां भरा जा सकेगा इसके माध्यम से। और इसी साल फरवरी के महीने में संसद में दिए एक बयान में वो लिखित बयान था रक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा था कि सेना के तीनों अंगों यानी के थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसमें लगभग 9290 अधिकारियों की कमी है, और थल सेना में 7701, नौसेना में करीब 1597 और वायुसेना में 572 अधिकारियों की कमी है। यही वजह है कि टीओडी के जरिए इन रिक्तियों को आने वाले समय में भरने की एक प्लानिंग थी। और अब अगर अग्निपथ योजना सरकार जिसके लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है, वो अगर ठीक ठाक से प्लान आउट हो जाती है, तो उसके बाद सरकार का अगला जो कदम है, मैं आपको बता दूं कि वो टीओडी के लिए ही होगा, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें अधिकारियों को 3 साल के लिए कहूंगी कि रखा जाएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अग्निवीरों की अपॉइंटमेंट के लिए, उनकी भर्ती के लिए प्लान किया जा रहा है, इसी तरीके से अधिकारियों के लिए भी टीओडी प्लान आउट जरूर होगा आने वाले समय में, अगर अग्निपथ को ठीक ठाक तरीके से प्लान आउट कर लिया जाता है। इस समय अग्निपथ पे सभी की नजरें लगी हुई हैं,
और मैं आपको बता दूं कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी भी सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और उनसे एक राउंड या दो राउंड वो मंत्रणा करेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ बातचीत की है, दो बार बातचीत की है उन्होंने इसी मुद्दे पे। इसके बाद अधिसूचना जारी की है। अब ये तो तय है कि इस योजना को सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन इसमें कुछ और इसका ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, इसमें कुछ और सुविधाएं दी जा सकती हैं, कुछ टाइम पीरियड बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों पे बातचीत कल करेंगे नरेंद्र मोदी। और फिलहाल इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा, कमेंट करना आप ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप जो सोचते हैं इस योजना के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।